जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम जानेंगे गिफ्ट शॉप लाइसेंस के बारे में। आप अगर गिफ्ट शॉप ओपन करना चाहते हैं और आप ओपन किए हैं तो आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, इस वीडियो में पूरा लाइसेंस और उसका डिटेल्स बताऊंगा। गिफ्ट शॉप के लिए आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस और लेबर लाइसेंस, इन सभी लाइसेंस लगता है। अब हम जान लेते हैं इन सभी लाइसेंस के डिटेल्स के बारे में। नंबर वन पर आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहते हैं गिफ्ट शॉप या बिजनेस ओपन करने के लिए, तो आपको ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर आपके गिफ्ट शॉप के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। नंबर टू पर आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका क्वालिटी मैनेजमेंट से मिलता है। आपका जो गिफ्ट का शॉप या गिफ्ट का बिजनेस पर जो मटेरियल, जो गिफ्ट आप कस्टमर को बेचते हो, वो अच्छा क्वालिटी का गिफ्ट है और कस्टमर गुड परचेस करके ले रहे हैं बोलकर ये क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट, जो आईएसओ सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये लगता है। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 3 साल का वैलिड रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। नंबर थ्री पर आते हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में। ट्रेड लाइसेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका स्टेट में अगर आप गिफ्ट शॉप, गिफ्ट स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में गिफ्ट शॉप या बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हैं। ये आपका कंपलसरी लाइसेंस है। आपका स्टेट में अगर आप शॉप या बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो, और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है। नंबर फोर पर आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो गिफ्ट का शॉप या बिजनेस पर जो लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका गिफ्ट का स्टोर या गिफ्ट का बिजनेस पर लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आपका गिफ्ट का शॉप या बिजनेस पर लेबर रखे हैं तो आपको कंपलसरी ये लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप लेबर या स्टाफ नहीं रख सकते हैं। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है। अब हम जान लेते हैं इन सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इन सभी लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, आप जिसके नाम पर ये सर्टिफिकेट करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, उनका अगर खुद का प्रॉपर्टी पर गिफ्ट शॉप या बिजनेस ओपन किए हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल, जीपीए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन तीनों में से जो भी एक डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर उनका शॉप या बिजनेस रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा।
आपको ये सभी लाइसेंस 1 से लेकर 5 दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ये सभी लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। अगर आपको भी आपका गिफ्ट स्टोर या बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। गिफ्ट स्टोर और बिजनेस लाइसेंस के अलावा हम चिकन मटन शॉप बिजनेस लाइसेंस, क्लोथिंग शॉप बिजनेस लाइसेंस, ऑल ओवर इंडिया का ऑल बिजनेस लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी वो करना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे टीम से बात कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस रिगार्डिंग वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।